इसका 8 नंबर यहाँ पर देखते हैं। एपी यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास -26, -24, -22, ये कहाँ तक, 36 टर्म्स तक का इसका सम निकालना है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा -26, कॉमन डिफरेंस डी जो होगा A2 -7, यानी माइनस का 24 माइनस -26, -24 प्लस का 26, यानी आ जाएगा यहाँ पर 2। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है n का वैल्यू है 36। तो हम लोग एस एन इक्वल टू फार्मूला यूज कर सकते हैं, n बाय 2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 36 टर्म का है तो यहाँ पे n का वैल्यू 36 रख देना है, 2 इंटू ए के प्लेस पर माइनस का 26 और प्लस n माइनस 1 यानी 36 माइनस 1 इंटू में डी के प्लेस पे 2। यहाँ पर हमारा 18 आ जाएगा, 18 अंदर हो जाएगा माइनस का 52 और प्लस का यहाँ पर 35 इंटू में 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ हो जाएगा 18 ब्रैकेट में माइनस 52 प्लस का 70। तो यहाँ आ जाएगा 18 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो 18 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, तो 324 यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स आ गया, यानी 36 टर्म का सम आ गया है ना। तो फिलहाल हम इस वीडियो में क्वेश्चन 1 ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। आपका पहला चैनल है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि का आंसर और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।